हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9। अब ईआरपी 9 में खास बात क्या है, क्या आज हम सीखेंगे? देखिए, बात की गई है, क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट किया गया है, और कमेंट करने वाले ने पूछा है, जिन्होंने भी कमेंट किया हो उन्होंने पूछा सर डिस्काउंट कैसे लगाते हैं। तो ये जानते हुए भी कि डिस्काउंट के बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूं, एक बार फिर से हम डिस्काउंट की बात करेंगे, ठीक है? तो डिस्काउंट में क्या हम कैसे डिस्काउंट लगा सकते हैं? तो डिस्काउंट जो लगाने का तरीका है वो दो तरीका हो सकता है। पहला तो आप मैनुअल डिस्काउंट लगा सकते हैं, ठीक है? इनका नाम है इम्तियाज अली, इन्होंने पूछा है, ठीक है? तो पहला तो मैनुअल डिस्काउंट लगा सकते हैं, यानी डिस्काउंट का लेजर बनाइए। डिस्काउंट का लेजर किस में बनता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम में बनाइए और उसको लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। एक तो ये हो गया डिस्काउंट, ठीक है? दूसरा, डिस्काउंट ऑप्शन एक्टिवेट किया जाता है। कैसे एक्टिवेट करेंगे? यहां से आपको प्रेस करना है F11 की, ठीक है? क्या प्रेस करेंगे? F11 की प्रेस करेंगे। तो यहां पर मैं प्रेस करके आपको दिखा भी देता हूं। यहां पे आए, यहां से F11 की प्रेस किया, ये अकाउंटिंग फीचर आ रहा है, नीचे इन्वेंटरी फीचर है, तो आई आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही आई प्रेस करते हैं तो यहां पर यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस ये दिखेगा, बस यहां से डबल क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल ए कर दीजिए, डिस्काउंट एक्टिवेट हो गया, ठीक है? अब जब भी आप एंट्री पास करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें सेल्स वाउचर में एंट्री पास करनी है, तो ये आ गया सेल्स वाउचर में, और यहां पर अब हम एंट्री पास करने वाले हैं, तो यहां पर रेफरेंस नंबर डाल देता हूं, एंटर करता हूं, यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, तो यहां ऑल्ट सी करके एक डेटर पार्टी का लेजर बना लेते हैं। तो यहां पर एक डेटर पार्टी का लेजर मैं बनाता हूं, रिप्लेस डी कर देता हूं, यानी डेटर, ठीक है? और ये जाएगा सन्ड्री डेटर के ग्रुप में, तो यहां से सन्ड्री डेटर कर देते हैं। तो ये सन्ड्री डेटर कर दिया, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखना है, एंटर करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट, ठीक है? इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने, देख सकते हैं ये यहां से भी एंटर कर लीजिए, एंटर 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 एंटर, स्टेट डालना कंपलसरी है तो स्टेट तो रहेगा ही रहेगा। यहां पर आना है, अब हमें क्या करना है, यहां से चीजों को उठाना है, ठीक है? तो हमारे पास चेयर है 10, वही हमें सेल करनी है, तो ये 10 चेयर ले लेते हैं और 10 में से 5 बेच देते हैं। एक की कीमत हम रख देते हैं 900 रुपए। अब देखिए यहां पर आपको डिस्काउंट ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं? तो जितना भी डिस्काउंट लगाना है यहीं पे लगा दीजिए। 5% का डिस्काउंट मान लीजिए कि मैं लगा रहा हूं, यहां 5 लिखिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है? अगर मैं यहां 5 नहीं लिखता, अगर 0 लिख देता तो क्या होता? यहां 4500 आ रहा है, अगर मैं यहां 5 लिखता हूं तो क्या होता है? देखिए ये अमाउंट ऑटोमेटिकली घट गया, 4500 जो अमाउंट आ रहा था 4275 रुपए हो गया। देखिए फिर से दिखाता हूं, यहाँ पे अगर 0 है तो ये 4500 अमाउंट है, ठीक है? और अगर यहाँ 5% कर देते हैं, 10% जो भी डिस्काउंट है वो दे देते हैं, तो यहाँ घट गया ही। इसी तरीके से डिस्काउंट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप जीएसटी भी देना चाहते हैं तो इसके बाद जीएसटी का लेजर लगा हुआ है, ये आ गया जीएसटी, ठीक है? एंटर करिए, फिर यहाँ पे एसजीएसटी आ जाएगा, ये एसजीएसटी भी हो गया, ठीक है? दोनों लगा दिया, एंटर कर दिया, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ नरेशन डाल सकते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। ये हो गया डिस्काउंट। अब इस एंट्री को देखना है, तो ये एंट्री हमारी, ये वाली एंट्री है, ये रिपेस्ट भी, ठीक है? ऑल्ट पी प्रेस करके एंटर करेंगे और यहां पर हमारा प्रिंट भी आ जाता है। तो एक मिनट, यहां से फिर से एक बार ऑल्ट पी कर देते हैं। ऑल्ट पी करने के बाद यहां से हमें प्रीव्यू देखना है, ठीक है? यस कर देते हैं, ये देखिए प्रीव्यू भी दिख रहा है और यहां पर डिस्काउंट के लिए अलग से कॉलम भी बना हुआ है। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी डिस्काउंट के लिए, ठीक है? आप मैनुअली भी डिस्काउंट एक्टिवेट कर सकते हैं, वो मेथड भी शायद आपको आता होगा। तो इस वीडियो में मैं केवल यही बता रहा हूं कि जो दिया गया है टैली में डिस्काउंट उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, ठीक है? फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।